1984 ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸਪੰਨਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ, ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਸਿਆਲਕਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਿੱਟੇਵਿੰਡ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਯੈਬ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਨੇਜਰ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਘੇਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸੀਨੇ ਨੂੰ ਸਲਹੀ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰੋਕ ਲਈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਦੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਤਤਕੜਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ੍ਰੀ ਆਹ
सारी संगत नूं बेनती है कि वह पावन सरूप जिहड़ा श्री हरिमंदर साहब दे विच उस वेले दी जालम कांग्रेस सरकार ने इत्थे हमला करके तोपां टैंकां दे नाल जिथे साडियां महान पवित्र इमारतां दे उत्ते हमला किया जिथे हजारां सिंघ शहीद हो गए जिथे जिहड़े दर्शन करन आए गुरु ग्रंथ साहिब दी जिहड़ी संगत सी श्री गुरु अर्जन देव जी की शहीदी पुरज ड्यूटी सी वह शहीद हो गए उत्थे महान गुरु ग्रंथ साहिब दी एक दे विच जिहड़ी गोली वजी सी वह एंटर करके 90 अंक तक पहुँच गई जिन्होंने के बहुत नुकसान किया हिरदा बलुंदर के रख दिता वह तड़प जी सी संगत के मन च लंबे समय तो है 37 साल बाद जी मंग आई सी वह मंग को पूरा करते हुए अज दर्शन कराए जा रहे हैं। मैं संगत को बेनती करा बड़ी शादमी ढंग के निम्रता के नाल आके दर्शन करो तो गुरु साहब जी के श्रद्धा के फुल भेंट करो। गुरमीत सिंह ऑनररी सैकटरी श्री अकाल तख्त साहब सारी दुनिया के सिख जे श्री अकाल तख्त साहब ना उन्होंने संपर्क किया हो श्रोमणी गुरु प्रबंधक कमेटी संपर्क किया मन की इच्छा थी कि जोड़ा सरूप 1984 जो जख्मी होया वो सरूप जो अंदर पिया होया दर्शन दार जो संगत होने चाहिए तो मैं महसूस करता कि संगत की जी सारी मंग सी ही आधार के उत्ते कल श्रोमणी गुरु प्रबंधक कमेटी ने उचेची एग्जैक्टिव कमेटी मीटिंग जी कॉल की और उन्होंने फैसला लिया कि 3 दिन वास्ते 3 जून 4 जून तो 5 जून ये तीनों दिन जोड़ा ये जोड़ा जख्मी सरूप है उस वेले अंदर सगा जिते गोली लगी है उस संगत के दर्शन लिए खोलिया गया है। अज का दिहाड़ा बड़ा पवित्र है कि अज वह सरूप निज स्थान तो लिया के प्रकाश स्थान पर बाबा गुरबख्श सिंह जी जरा गुरद्वारा साहब है उत्थे रखा गया और हज़ारा संगत जो दर्शन कर रही नाम जप रही और धन हो रही और जागर जोत गुरु साडा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जिहड़े जख्मी वो दर्शन किए हैं। सारी दुनिया च जिहड़ी है सब सिखण को हुकम है गुरु मान्यो ग्रंथ साडा एक गुरु जागर जोत गुरु प्रगट गुरां की देह गुरु जिहड़े सारे दर्शन कर रहे हैं और इहो जिहा साका ना दोबारा कदी वापरे इहदे बारे संगतां अरदास चौधरी भी कर रही कि हे पातशाह ऐसे हालात बख्श कि सिक्खी की चढ़ती कला होवे गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का प्रचार तो प्रसार सारी दुनिया च होवे तो सारी दुनिया के लोग जिहड़े आ गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगन तो गुरु ग्रंथ साहिब तो शब्द तो सीध लैके तो गुरबाणी चढ़ती कला का संचार होवे। अकाल तख्त जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी उन्होंने चेचे तौर पर अज का समागम जोड़ा है वो रखाया है और अकाल तख्त सैकटरीएट सारा इतने हाजिर होया और तीनों दिन अकाल तख्त साहब के पूरा स्टाफ जोड़ा है इतने रह के संगत ने सहयोग लिए नाल खड़ेगा। मैं अकाल तख्त का सैकटरी होने के नाते सारी संगतों को बेनती करदा कि आओ ये जिहड़ा प्रकाश होया सरूप रख्या गया इहदे आके दर्शन करो। जथेदार साहब ने कोई होर समागम सीगे जी और अज उन्होंने वेगोवाल भी समागम से जाना है इस करके उन्होंने संदेश आया कि सारा प्रबंध तुसीं आप करो वह आणगे जरूर आ। आवाजी कॉम टीवी लई अमृतसर तो पत्रकार ललित शर्मा की रिपोर्ट।